रेलवे के नवयुक्त जीएम टीपी सिंह आज अंबाला पहुंचे और उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ छावनी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम अंबाला दिनेश चंद्र सहित रेलवे के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जीएम ने स्टेशन पर बन रहे शौचालय का भी निरीक्षण किया। स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को खामियां दूर करने के निर्देश भी दिए। अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। उसमें अगर हर गेट पे हम आरपीएफ या पुलिस को खड़ा करना चाहें तो इतनी मैन पावर ना हमारे पास है ना स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये तो हम लोगों को जब बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें ट्रैफिक के नियम पढ़ाए जाते थे कि कैसे कैसे हमने सड़क के ऊपर गाड़ी चलानी है। हमारे अंदर हमको खुद को समझ आनी चाहिए कि हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अगर हम जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे कई बार मोटरसाइकिल पे स्टंट मारते हैं तो वो नियम के अनुरूप तो है नहीं, वो नियम के खिलाफ है, लेकिन वो फिर भी करते हैं। वो हम सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं कि हम सबको पब्लिक को हमको सबको सीखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर हम ये सीख जाएंगे तो एक्सीडेंट्स की अपने आप कमी हो जाएगी, रोड एक्सीडेंट्स की भी और लेवल क्रॉसिंग गेट्स या दूसरे जो ट्रेसपासिंग से रिलेटेड है उस पे भी। सर, एक तरफ वही चीज डिस्कस करें जो हम जानते हैं। सर, एक मिला है कि एक और सेफ्टी से बहुत बड़ा एप्लीकेशन के हम रेलवे इतना बड़ा विभाग है, उतनी ही बड़ी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन हमारी विजिलेंस का विभाग है रेलवे की, और रेलवे की विजिलेंस बाकी विजिलेंस के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग है। और हम जितनी भी गलतियां, मैं भी एक विजिलेंस में काम कर चुका हूँ बॉम्बे में, तो मुझे मालूम है कि विजिलेंस विभाग कोई जहाँ भी गलत होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो तो वो कर रहे हैं रतनलाल जी कर रहे हैं। पंपिंग अरेंजमेंट्स रखेंगे और पंपिंग अरेंजमेंट्स जनरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब बारिशों का सीजन आएगा उस समय उनको पंपिंग कर दिया जाएगा। प्रॉब्लम में ये होती है कि जो सिटी का भी पानी होता है वो भी अंडरब्रिज की तरफ आ जाता है, तो उसमें अगर हम वो लगा देंगे एक स्पीड ब्रेकर टाइप का लगा देंगे, लेट से इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर आपने लगाया, अगर सिटी का पानी इससे भी ऊपर चढ़ गया तो फिर तो वो सारा का सारा अंडरब्रिज के ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर नहीं चढ़ा, उससे ज़्यादा पानी नहीं हुआ, तब हमारा अंडरब्रिज खाली रहेगा। तो वो आप लोगों को फिर देखना पड़ेगा कि सिटी का पानी कहाँ से आ रहा है। सिटी का भी ड्रेनेज कई बार होता है ना कि वो लो लाइंग एरिया की तरफ, वो उनका ड्रेनेज इतना अच्छा नहीं होता सिटीज का, तो वो लो लाइंग एरिया की तरफ अपने आप भागता है। पॉलिसी है, बिल्कुल है, आप जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, रेलवे ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है, मे नॉट बी 100% बट 85-90% तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन उसको उतना नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रेलवे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। आपकी रेलवे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने पैसेंजर्स के लिए जितने हमने पिछले 2-3 साल में जो सिस्टम्स इम्प्रूव करे हैं, जितनी आपको ट्रांसपेरेंसी दी है, उतनी ऑर्गेनाइजेशन कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है। नहीं सर, वो ठीक है आपके पास, लेकिन जो चीज़ नियम्स बने हुए हैं ठीक है आपके पास, एग्री हूँ।